व्हाट्स हैपनिंग गाइस, तो कैसे हो सभी लोग, इन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऐसा बात करके बहुत दिन हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम एक नया फ्यूचरिस्टिक वाला गेम खेलने वाले हैं, जो कि CS:GO का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं आप। मैं तो अपग्रेडेड वर्जन बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली वैसी है। तो आज का गेम का नाम है बैटल प्राइम, एंड आज देखते हैं कि ये कितना मिलता जुलता है CS:GO से। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये मेन मेन्यू है, आई मीन मेन लॉबी है, मेन मेन्यू नहीं। तो हम डोमिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इतना रियलिस्टिक दिखता है ना, क्योंकि इसके ग्राफिक्स ना शायद एनवीडिया ने डेवलप किया है, इसलिए इतना अमेजिंग ग्राफिक्स दिखता है। मतलब मेरा अभी लो सेटिंग्स में है और लो सेटिंग्स में भी इतना अच्छा दिख रहा है। बट इसमें से थोड़ा सा एनिमेशन को थोड़ा चेंज करना चाहिए लोगों को। ये जो लड़की का आंख है ना, वो ब्लिंक नहीं कर रही है जब से, मतलब 5 मिनट से मैं देख रहा हूँ। गन भी चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर टैप करके, एंड वो लड़की ना ब्लिंक नहीं कर रही है। ओके, सो यहाँ पर हमें मिल गया है, यहाँ पर ट्रॉफीज मिलते हैं, जैसे कि हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी रैंक्ड होता है ना, वैसे यहाँ पर ट्रॉफीज मिलते हैं। तो ये है स्टार्टिंग का एनिमेशन, बहुत ही रियलिस्टिक दिखता है। मतलब ऐसे आप एक VR वर्ल्ड में हो, एग्जैक्टली वैसी लोड होता है वो। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं और मैंने फर्स्ट वाला ले लिया है, और उसके एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। और सॉरी, मैंने लास्ट वाला लिया है, फर्स्ट वाला वो नहीं कर पाया। तो ऐसा किल करना होता है, बहुत ही सिंपल है ये। मतलब अगर आपने CS:GO खेला है, ओ उसके SMG नहीं मारा उसने, तो अगर आपने CS:GO खेला है और स्टैंड ऑफ रू खेला है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। मार दिया उसने, SMG से कैसा मार रहा है यार ये। ओके, सो यहाँ पर कैप्चर करना है CS:GO प्लेयर्स, क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर्स को पता है कैसे खेलते हैं ये, एग्जैक्टली वैसे ही है ये। एंड अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग एबिलिटीज होते हैं इसमें। अबे यार मार दिया उसने। तो यहाँ पर प्राइम है, मैं कैरेक्टर्स बोल रहा था पता नहीं क्यों, यहाँ पर प्राइम है। ओह भाई बच गया। अरे अरे लैग हो रहा हूँ क्या मैं? कौन गया अभी ऊपर से? ओए भाई क्या कर रहा है ये, स्टन कर दिया उसने मुझे। सो बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ ना, तो थोड़ा हैंड्स फ्री नहीं हो रहे हैं। मार दिया उसने। तो हम अभी प्राइम चेंज करेंगे, अभी हम ये वाला बंदा यूज करेंगे। इसका भी शायद ना वो है, लैग आ रहा हूँ मैं, आई थिंक इसका भी शायद LMG है गन। ये लोग किल के लिए क्यों जा रहे हैं? ओ मर गया। इसका एबिलिटी ये है कि आप अपने आप को ना थोड़ी देर फ्रीज करके एक्स्ट्रा शील्ड ला सकते हैं, एंड उसके वजह से आपका मूवमेंट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। The battle simulation is almost over. Payback. Triple kill. Oh! Lag ho raha hu yaar main, lag ho raha hu main. We eliminated the bad point captured.
पॉइंट्स लॉस्ट। तो ये था डोमिनेशन विक्ट्री लास्ट में एकदम एपिक लेसन जैसा। तो अपन यहाँ पर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये। अगर मुझसे पूछोगे तो शायद मैं ये खेलूँगा, अगर स्टैंड ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी और बैटल रॉयल के बीच में अगर आप ऑप्शंस देंगे। बट अगर इसमें बैटल रॉयल का ऑप्शन आ गया ना तो शायद ना बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगा, क्योंकि इसके प्राइम्स के जो एबिलिटीज़ हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एबिलिटीज़ हैं। तो अगर ये लोग ने फ्यूचर वाले अपडेट में या नेक्स्ट ईयर, पता नहीं कब आएगा नेक्स्ट ईयर, अगर ये लोग ने बैटल रॉयल का ऑप्शन ला लिया है, जैसे कि यहाँ पर आर्केड और अलग अलग तीन डेथ मैच मोड्स है ना, वैसे बैटल रॉयल वाला वर्जन आ गया तो आई थिंक मैं ये खेलूँगा। क्योंकि ये थोड़ा बहुत पबजी न्यू स्टेट जैसा बन जाएगा, क्योंकि इसके एबिलिटीज ना थोड़े नए हैं देन एपेक्स एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में तो पर्क्स होते हैं। तो हम टीम डेथ मैच खेलते हैं, टीम डेथ मैच भी वैसे ही है, सिमिलर है जैसा हमने पिछला वाला मोड खेला है। एंड उसमें आपको किल करके आगे बढ़ना पड़ता है, इसमें तो कैप्चर करना पड़ता है पॉइंट, पिछला वाला मैच जो खेला हमने। तो इसका जो एनिमेशन है ना ये बहुत ही पसंद आता है मुझे। तो यहाँ पर हमने लास्ट वाला एंड पहले दो वाला प्राइम्स हमने सेलेक्ट कर लिया है, एंड हम लास्ट वाला करेंगे जो कि थर्ड है। एक्चुअली गलती से मैंने लास्ट वाला सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका ना स्नाइपर है एंड इसका सेकेंडरी एक पिस्टल है, शायद हाई फायर रेट पिस्टल होगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली स्नाइपर सपोर्ट को हाई फायर रेट ही जरूरी है। तो यहाँ पर बैठ के हम स्नाइप कर सकते हैं। ओए लेफ्ट से मार दिया। ओके सो थोड़ा स्नाइपर ना ये वाला क्या बोलते हैं हमारा जो है ना वो अबे नहीं मारा वो, अजीब ही मैंने इसको मारा वो नहीं मारा वो। तो शायद ये हमारा M24 है ना PUBG में, वैसा होगा ये। मैंने मारा कि नहीं? हाँ मारा मैंने, मारा मारा। क्या मारा यार मैंने, अबे यार मारने से पहले ही मार दिया उसने। SMG अच्छा काम करता है शायद ये वाले मोड में। भाई साहब किसने डाला वो, इसकी एबिलिटी यूज करना भूल गया मैं। टारगेट डिटेक्टेड। हाँ देखो एक और स्नाइपर। अबे यार लगा नहीं इसको, अजीब है भाई। तो थोड़ा स्नाइपर वाला थोड़ा मुश्किल है अभी ये वाले मोड में, अगर एक छोटा मैप है एंड स्टिल खड़े रहने का ऑप्शन में। देखो अच्छा शायद तो SBMM की वजह से ना मुझे एक अच्छा लॉबी में डाल दिया, इसलिए अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक मुझे ये खेलने नहीं देगा ढंग से। मार दिया, मैं तो चेंज कर रहा हूँ भाई यार अपना प्राइम। तो ये वाला इसका पैसिव एबिलिटी करता क्या है, आई मीन इसका मेन एबिलिटी, पैसिव नहीं इसका मेन एबिलिटी करता क्या है, स्टन कर देता है सामने वाले को। अभी यार उसने मार दिया स्नाइपर से, स्नाइपर ही है ना वो, शाइन हो रहा है इसका। तो इसमें ऑब्वियसली आपको चार्ज करना पड़ता है अपने एबिलिटी को, एंड अगर आपको अलग अलग प्राइम्स अनलॉक करने हैं तो आपको लेवल अप करके प्राइम अनलॉक करना है, थोड़ा बहुत कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे है ये। एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैं अच्छा खेला पिछले वाला मैच में, तो इसलिए SBM गेम की वजह से ना मुझे एक अच्छा लॉबी में डाल दिया है। एंड यहाँ पर रैंक्स होते हैं, बहुत ही सिमिलर है ये टू स्टैंड ऑफ एंड पबजी न्यू स्टेट का मिक्सचर, क्योंकि स्टैंड ऑफ में एबिलिटीज नहीं है एंड पबजी न्यू स्टेट में एबिलिटीज भी नहीं है, बट देखने में अच्छा है। ओके सो बाकी के मोड्स मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ लेना जब आप गेम डाउनलोड कर लेंगे।
तो ये था बैटल प्राइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये। एनवीडिया ने इनका गेम डेवलपमेंट से टाइप करके बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स लाया है। तो इसमें जब बैटल रॉयल का अपडेट आएगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये गेम। आई होप इसके बैटल रॉयल का अपडेट आए, क्योंकि इसका नाम में बैटल लिखा है। आई थिंक ना बैटल रॉयल का भी मैप आ सकता है, या मोड आ सकता है। मैप क्यों बोल रहे हैं, मोड आ सकता है, क्योंकि डिसेंट साइज है ये गेम। आई थिंक 3-4 GB का गेम हो सकता है ये। अगर आप अगर अपने लो प्रोफाइल ग्राफिक्स इंस्टॉल किया है तो आपका 2-3 GB में ही हो जाएगा शायद। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलना। एंड देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला अपडेट में, जब बैटल रॉयल का आएगा ना, तब हम इसको बैटल रॉयल खेल के देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग होगा ये। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।